नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक तरह से देखा जाए तो एकदम ही अविश्वसनीय जो है ये संदेश है कि आपका एग्जाम डेट जो हाई कोर्ट आपका ग्रुप सी डी और स्टेनो का एग्जाम डेट है वो जारी कर दिया गया और आज ही जारी किया गया और इतना कम समय, मतलब मात्र 13 दिन का समय आपको मिला है। इसी महीने में 15 तारीख तक करेक्शन चला है और सोचो इतना जल्दी आ गया। इतना तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, पिछले हारो यारो में एनटीए ने नहीं किया, लेकिन इसमें इतना ही अचानक डेट आ जाना जो कभी सोचा ही नहीं गया था, तो काफी वो है, दुखद है। हाँ, बच्चे इसमें पैनिक भी हो रहे हैं कि कैसे अब हम क्या करें, कैसे तैयारी हो पाएगी हमारी। सही बात है, समय बहुत कम है, तो जब समय आपको कम मिले तो ये जानो कि मेरे साथ वाले मेरे लिए अकेले नहीं मिल रहा है, सबके लिए समय कम मिला है, तो एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। तो अब यहां पर भी हम लोग जो है बच्चों के साथ अपनी रणनीति को चेंज करेंगे। जो आपकी क्लासेस है कैसे लगाना है उसका मॉड्यूल पूरा आपको बताया जाएगा कि अब कैसे आपकी क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस क्लासेस कौन सी होंगी, टेस्ट सीरीज कैसे आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सब चीजें हम लोग जल्द ही आपको बता देंगे। आज शाम या कल तक आपको बता दिया जाएगा, आपके पूरे मॉड्यूल्स को चेंज किया जाएगा, ठीक है, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ इतने कम समय में जितना भी हो सकता है हमारे द्वारा, टीम के द्वारा, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट करा दें। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था ये था कि हम 15 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कराते, लेकिन ऑलमोस्ट अब चीजें जल्दी हो रही हैं, तो उसी चीज को हम लोग जल्दी के फॉर्म में, मतलब जितना भी हो सके आपको मैक्सिमम कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव करा के आपके कोर्स को कंप्लीट करा जाए, फिर आपके रिविजन भी उसी में कराया जाए, ठीक है। चाहे उसके लिए हमें 4 घंटा चाहे 5 घंटा जो भी करना हो, आपके लिए क्लास प्रोवाइड करानी हो, हम जरूर करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी अगर जिन्हें भी जैसे एक तो हमारा ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि वहां की रिकॉर्डेड क्लास आपको यहां पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप लोग ज्यादा पैनिक ना होइए, लेकिन जो जो हम बताएं आपको एक गाइडेंस दें कि इतने कम समय में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि वही चीज सिलेक्शन देगी अब, बस इसके अलावा कुछ नहीं, और आपका जो प्रीवियस नॉलेज है सब्जेक्ट में वो देगा। तो एग्जाम डेट को देख लेते हैं कि आपके एग्जाम डेट कौन कौन से हैं। जैसे अभी अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर जो है, ड्राइवर का एग्जाम डेट 10-12 को, मतलब 10 दिसंबर को है। 3 से 4:30 का जो शेड्यूल है, मतलब यहां देख रहे हो कि सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कहा जा सकता है कि कम है कहीं ना कहीं, ठीक है। स्टेनो की बात करें तो देखो 11 तारीख को है, उसी शिफ्ट में हो रहा है। ग्रुप डी की बात करें तो 17 तारीख को है, ठीक है, इसमें गैप मिला है अच्छा खासा। और ग्रुप सी में 18 तारीख को है, तो 18 तक ये एग्जाम गया। 18 में ग्रुप सी का है, जो सबसे ज्यादा बच्चे ग्रुप सी के जो भरे हुए हैं वो सबसे ज्यादा फॉर्म ग्रुप सी में पड़ा हुआ है। तो यहां देखो ये भी सिंगल शिफ्ट में है, ऐसा नहीं कि ग्रुप सी डबल शिफ्ट में, तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 दिन आपके एग्जाम है, अलग अलग पेपर होगा, अलग अलग लेवल होगा, ऐसा नहीं है कि सेम पेपर सेम लेवल होगा, ठीक है। तो मेरिट भी सबकी अलग अलग ही जाएगी, तो आप लोग के पास एकदम समय कम है, 13 दिन का आपके पास समय मिला, पूरी एनर्जी आप लोग इकट्ठा करिए और झोंक दीजिए। साथ ही साथ ये टीम परीक्षा प्लस भी पूरे आपके साथ लगी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है कि क्या कैसे करें तैयारी, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बेहतरीन आपके टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए जाएंगे और आपके सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही आ चुकी है आप लोगों के सामने कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, तो निश्चिंत रहिए, इसको पूरी टीम मिलकर आपके साथ बताएगी कि कैसे हम अब से स्टार्ट किया जाए प्रिपरेशन को, ठीक है। तो चलिए, मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।